हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सामान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो रेनफॉल है इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है और इसको एवरेज एनुअल रेनफॉल क्यों कहते हैं। दिखने में ये टॉपिक काफ़ी इजी लगता है जबकि ये इतना ईजी नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत में हम ये जानेंगे कि जो रेनफॉल है इसका एवरेज तीन टाइप से मेजर किया जाता है। पहला, किसी भी जगह का जो पिछले 30-35 सालों की जो रेनफॉल है इसका एवरेज निकालते हैं और इसको कहा जाता है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। दूसरा, किसी बड़े रीजन जैसे स्टेट या कंट्री की एक साल की सभी जगहों की जो रेनफॉल्स हैं जब उसका एवरेज निकाला जाए तो हम इसको कहते हैं एवरेज रेनफॉल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री फॉर वन ईयर। और जो तीसरा है वो ये होता है कि बड़े रीजन जैसे स्टेट या कंट्री की सभी जगहों की पिछले जो 30-35 सालों की जो रेनफॉल है इसका एवरेज निकालते हैं तो हम इसको जनरली एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए स्टेट या कंट्री कहते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखेंगे जो रेनफॉल है क्या होती है। वैसे तो आसमान से पानी कई फॉर्म में अर्थ पर आता है, उसमें से एक फॉर्म है रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है, पानी बूंदों के रूप में अर्थ के ऊपर आता है, इसको हम रेनफॉल कहते हैं। फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज रेनफॉल। अब इस रेनफॉल को मेजर कैसे करते हैं, इस रेनफॉल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम रेन गेज बोलते हैं। ये होता क्या है, सिंपली एक बीकर होता है, इसके ऊपर एक फनल लगी होती है और साइड में एक स्केल होता है जिसके ऊपर एमएम में रीडिंग होती है। एमएम मतलब मिलीमीटर होता है। इसमें जैसी ही बारिश आती है ये बारिश का पानी इस फनल के थ्रू इस बीकर में इकट्ठा हो जाता है और साइड में हम रीडिंग से देखते हैं कितनी रेनफॉल को नोट किया गया। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो ये रेन गेज बाहर रखा है, बाहर का मतलब किसी भी वेदर स्टेशन में रखा है, तो यहाँ जो बारिश होती है 24 आवर में उस बारिश को हम रिकॉर्ड करें और मान लो हमारे पास रीडिंग आती है 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे पिछले 24 घंटे में इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो रेनफॉल है ये 25 mm हुई है। इसी तरह अगर हम उस जगह की पूरे साल की जितनी भी रेनफॉल्स हैं सभी को पहले रजिस्टर में नोट कर लें, उसके बाद सभी का यदि टोटल कर दिया जाए तो उस जगह की जो पूरे साल की जो रेनफॉल होती है उसको हम एनुअल रेनफॉल कहते हैं। पी का मतलब पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। इट इज द सम टोटल ऑफ डेली रेनफॉल्स ऑफ ए ईयर, किसी भी जगह पर एक साल में जितनी भी बारिश हुई है उसको एनुअल रेनफॉल कहा जाता है। अब हम देखते हैं वेयर डू वी मेजर द रेनफॉल्स, रेनफॉल्स को कहाँ मेजर करते हैं। रेनफॉल को मेजर करने से पहले एक बात जान लें, मान लो किसी लोकेशन पर एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ पूरे साल में जितनी भी रेनफॉल्स हुई हैं यदि उन सभी रेनफॉल्स का पानी इकट्ठा कर लिया जाए तो वहाँ पर 50 सेंटीमीटर लगभग इतना पानी भर जाएगा। यदि हम इंडिया की एनुअल एवरेज रेनफॉल की बात करें तो ये 114 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये होता है यदि पूरे इंडिया में इवनली रेनफॉल हो तो एक साल में अपने कंट्री इंडिया में 114 सेंटीमीटर इतना पानी बरस जाएगा। अब हम ये जानेंगे जो ये रेनफॉल है इसको मेजर कहाँ करते हैं। इसको मेजर वेदर स्टेशन के ऊपर किया जाता है। वेदर स्टेशन का मतलब मौसम विभाग का जो ऑफिस होता है उसको वेदर स्टेशन कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 15,000 वेदर स्टेशन हैं, इंडिया में 1200 वेदर स्टेशन, यूके में 200, जर्मनी में 180, फ्रांस 130, जापान 60 और पाकिस्तान में 30 वेदर स्टेशन हैं। जिस कंट्री में जितने ज्यादा वेदर स्टेशन होंगे उस कंट्री की जो रेनफॉल है उसका एवरेज उतना ही एक्यूरेट निकलेगा। अब हम देखते हैं एनुअल रेनफॉल का एवरेज कैसे निकालते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था इसको तीन टाइप से निकालते हैं, कैसे, एक पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज को निकालना या किसी स्टेट कंट्री कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड की एवरेज को टू टाइप से निकालते हैं, टोटल तीन टाइप बनती हैं। शुरुआत करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज को कैसे निकाला जाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द लास्ट 30-35 ईयर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल्स, किसी भी जगह पर जो पिछले 30-35 सालों में एनुअल रेनफॉल हुई है उसका एवरेज निकाला जाएगा।
कैसे निकलता है, पिछले 30 सालों की एनुअल रेनफॉल्स को टोटल कर लें और 30 से डिवाइड कर दें, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, मान लो कोई भी जगह है, यहाँ 30 सालों में जो पहला साल 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, 65, 73, 100, 50, 68 और 100 और इस तरह सभी का टोटल करके जब हम 30 से डिवाइड करते हैं, मान लो उस लोकेशन की एवरेज आती है 70 सेंटीमीटर एनुअल। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हर साल औसतन लगभग 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और यदि किसी साल मान लो यहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर फ्लड आई थी, और यहाँ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर इस साल सूखा पड़ा था। ये जो एवरेज है इसी को आगे फर्दर करते हैं, जब हमने किसी स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड की एवरेज को निकालना है, इसके फिर आगे दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं एनुअल रेनफॉल ऑफ ए स्टेट और ए कंट्री और ए कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड इन ए गिवन ईयर, एक साल में किसी भी लोकेशन की जो रेनफॉल है उसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। यहाँ एक मैप की हेल्प से जानेंगे, मान लो एक कंट्री है जिसका नाम एक्स वाई जेड है, और इस कंट्री में चार स्टेट हैं ए बी सी और डी, और इन चारों स्टेटों में यहाँ P1, P2, P3, P4, P5, ए स्टेट के अंदर 5 वेदर स्टेशन हैं, बी में इसी तरह 3 और सी में 4 वेदर स्टेशन और डी में 2 वेदर स्टेशन हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हम स्टेट ए की एवरेज निकालते हैं तो हमें इन 5 वेदर स्टेशन में एक साल में कितनी रेनफॉल हुई सभी को टोटल कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब पूरे स्टेट की जो एवरेज रेनफॉल है एक साल की कितनी आई, इसको किस फॉर्मूले से करते हैं, इट इज द एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल्स ऑफ ऑल वेदर स्टेशंस। क्या होता है, जो एनुअल रेनफॉल है सभी वेदर स्टेशंस की, उसकी एवरेज को एनुअल रेनफॉल कहा जाता है, किसका, किसी स्टेट, कंट्री या वर्ल्ड का। इसका फॉर्मूला क्या है, P1 यानी कि P1 के ऊपर एक साल में कितनी बारिश हुई, P2 पर, P3, P4, P5, पांचों रेनफॉल्स को टोटल करके यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्टेट ए की एक साल की सभी जगहों की एवरेज रेनफॉल आ जाएगी। और यदि हमें पूरे कंट्री की एवरेज रेनफॉल निकालनी है एक साल की, तो हमें क्या करना है, सभी 14 वेदर स्टेशंस पर एनुअल जितनी भी रेनफॉल हुई है उस एक साल में सभी को टोटल कर लेंगे और 14 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कंट्री एक्स वाई जेड की एक साल की सभी प्लेसेस की एवरेज एनुअल रेनफॉल आ जाएगी। और यदि इसी फॉर्मूले को हम इंडिया के ऊपर लागू करते हैं तो इंडिया में 1200 वेदर स्टेशंस हैं, इसका मतलब यदि हमें पूरे इंडिया की एक साल की एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालनी है तो हमें 1200 वेदर स्टेशंस पर एक साल में जितनी भी रेनफॉल है सभी का टोटल कर लेंगे और 1200 से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह अगर हमें पूरे वर्ल्ड की जो रेनफॉल का एवरेज निकालना है तो हमें ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे करना है, पूरे वर्ल्ड में जो 15,000 वेदर स्टेशंस हैं सभी की एनुअल रेनफॉल का टोटल करके हमने 15,000 से डिवाइड कर देना है तो पूरे वर्ल्ड की एवरेज रेनफॉल आ जाएगी एक साल की। तो अब हमने देख लिया कि एक साल की एवरेज रेनफॉल को कैसे निकालना है। अब इसी एक साल की एवरेज रेनफॉल को यदि हम पिछले 30 सालों की एवरेज में कन्वर्ट कर दे, कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से इन 14 वेदर स्टेशंस की पहले तो हर साल की पूरे एरिया की एवरेज निकालें और फिर जो भी एवरेजेस आती हैं इन एवरेजेस का पिछले 30 इयर्स का फिर एवरेज लेंगे तो वो आता है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए कंट्री। तो इसी से हमने देखना है क्या फॉर्मूला है इसका, इट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 30 इयर्स एनुअल रेनफॉल्स, यानी कि पिछले 30 सालों में इस एरिया में जितनी भी रेनफॉल हुई है उन सभी का यदि हम एवरेज ले लेंगे तो वो कहलाता है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए स्टेट, कंट्री और द वर्ल्ड। यहाँ मैंने कुछ एवरेजेस को लिया है, ये स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा की एवरेज एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर, पंजाब 65 सेंटीमीटर है, न्यू दिल्ली की एवरेज एनुअल रेनफॉल 61 सेंटीमीटर, गोवा की 300 सेंटीमीटर, असम की 280 सेंटीमीटर, मेघालय 280 सेंटीमीटर, ओडिशा 148 सेंटीमीटर, यूपी 92,
165 सेंटीमीटर। हम यहाँ देखते हैं कि जो इंडिया की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन सभी की जो एवरेजेस हैं, इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, लेकिन इन सभी डिफरेंसेस की यदि हम फिर एवरेज निकालते हैं तो हम पाते हैं इंडिया की जो एनुअल रेनफॉल है ये 114 सेंटीमीटर एनुअल आती है। तो इसी तरह कुछ कंट्रीज का और एग्जांपल देखते हैं। यूएसए में 76 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरेज है, यूके 288 सेंटीमीटर, इजराइल 25 सेंटीमीटर और कोलंबिया 324 सेंटीमीटर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल वाला जो कंट्री है वो कोलंबिया है, और पूरे वर्ल्ड की बात करें ये 100 सेंटीमीटर है, रशिया 50 सेंटीमीटर, चाइना 222 सेंटीमीटर। यदि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज की एवरेज को निकाल लिया जाए तो ये पूरे वर्ल्ड की एवरेज एनुअल रेनफॉल आती है, जिसकी वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या होती है। इसको तीन टाइप से मेजर करते हैं। पहला, किसी भी लोकेशन की पिछले 30-35 सालों की एवरेज रेनफॉल। दूसरा, बड़े एरिया के सभी पार्ट्स की जो एनुअल रेनफॉल है उसका एवरेज निकालना। और तीसरा, बड़े रीजन के सभी वेदर स्टेशंस की पहले एक साल की एवरेज निकालना, और इसी तरह पिछले 30 सालों की एवरेज का फिर एवरेज निकालना, तो वो कहलाता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।